नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि के मई 2022 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे खुश जीवन राशिफल के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल, ईष्ट भगवान से संबंधित सभी जानकारियां, साथ के साथ अंक ज्योतिष के सभी वीडियोस। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मई माह में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपने राशि को बदल रहे हैं। देखिए, ग्रहों का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से ही जो अपने फल हैं ग्रहों के, वो बदल जाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए, यानी सूर्यदेव, मंगल और शुक्र, ये तीन ग्रह इस माह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य माह के शुरुआत से मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। अगर हम कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड भी माना गया है। और अगर हम बात करें सूर्य के राशि परिवर्तन की, तो इन तीन कारकत्व में, यानी सप्तम भाव से संबंधित फलों में कहीं ना कहीं इस माह में परिवर्तन आने की संभावना है। सूर्यदेव उच्च राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, यानी मेष राशि में जो माह के शुरुआत में सूर्यदेव वो उच्च राशि के, साथ के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं, वो भी तीसरे भाव में। तो सप्तम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से मतभेद उत्पन्न कर सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर भी यह बहुत अच्छा समय नहीं है। हालांकि आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव उच्च राशि के हैं, लेकिन राहु के कारण यहाँ ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़ा निवेश करने से पहले इस माह में आपको एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। बात करें सूर्य के राशि परिवर्तन पर, जब सूर्यदेव मध्य माह में अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृष राशि के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और सप्तमेश का अपने से दशम के अंदर जाना कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ावा देने वाला है। वैसे भी चतुर्थ भाव का कनेक्शन अगर सप्तम भाव से हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ फायदा होने की संभावनाएं अत्यधिक रहती हैं। बात करते हैं अब हम यहाँ पर कि और कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बात करें कार्यक्षेत्र की, क्योंकि दशम भाव की, दशम भाव जो है आपके कार्यक्षेत्र का है, आपके जॉब का है, आपकी नौकरी का है। अगर हम दशम भाव की बात करें तो मंगल देव जो हैं वे दशम भाव के स्वामी बनते हैं। और अगर हम यहाँ पर दृष्टि की बात करें तो शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा बुध भी यहाँ पर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। शनि और बुध इनका जो योग है, यानी इनकी दृष्टि दशम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं शनि से और बुध से रिलेटेड फल आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं शनि और बुध किन भावों के स्वामी हैं आपकी राशि वालों के लिए। तो शनिदेव यहाँ पर राशि स्वामी हैं, साथ के साथ बुध की बात करें तो बुध यहाँ पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचमेश यानी केंद्र और त्रिकोण, शनि केंद्र के स्वामी हैं और बुध त्रिकोण के स्वामी हैं। दोनों का दशम भाव पर दृष्टि शुभ दृष्टि है, उन्नति कारक दृष्टि मानी गई है। स्वामी की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो मंगल देव जो हैं उनके वो जो हैं वो शनि के साथ, यानी राशि स्वामी के साथ आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। दशम भाव से चतुर्थ भाव, यानी आपकी राशि एक तरीके से लग्न, यहाँ पर मंगल का गोचर शुभ समय है। लग्नेश का दशम से संबंध और दशमेश का लग्न से संबंध एक ज्योतिष में राजयोग कारक माना गया है। मंगल जो है वे भी लगभग मध्य माह में अपना राशि परिवर्तन करके धन भाव के अंदर मित्र राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो अगर कुछ समस्याएं आपकी जॉब या नौकरी के अंदर चल रही हैं तो वे मंगल के राशि परिवर्तन के बाद में समाप्त होने वाली हैं। धन भाव में गोचर करना आपके दशम भाव के स्वामी का, कहीं ना कहीं दशम का धन से रिलेशन आपको धन को गेन को लेकर दिखाता है। दूसरी बात, लाभ भाव के स्वामी की हम बात करें, क्योंकि लाभ के स्वामी की बात करना सभी परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक है। लाभ भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन भाव के स्वामी भी हैं। और अगर धन भाव के स्वामी की अगर हम बात करें तो वे धन भाव से ही गोचर कर रहे हैं,
यानी अगर हम मध्य माह के गोचर की अगर हम बात करें तो दशमेश और लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी यानी देव गुरु बृहस्पति धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति लाभ धन का फायदा यहाँ पर आपको अवश्य देखने को मिलेगा। पारिवारिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं, अगर हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव माह के शुरुआत में उच्च राशि के मीन राशि के होकर दूसरे भाव से धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का धन भाव से गोचर सेकंड हाउस से गोचर पारिवारिक स्थितियां अच्छी बता रहा है, साथ के साथ परिवार से भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। बात करें हम यहाँ पर कि शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करके लगभग 25 तारीख के आसपास में अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर मेष राशि में राहु के साथ आने वाले हैं, तो चतुर्देश का संबंध कहीं ना कहीं यात्राओं पर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। भाग्य की बात करें तो शुक्रदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं जो कि धन भाव से गोचर कर रहे हैं, भाग्य अच्छा सपोर्ट करने वाला है, धनदायक उन्नति कारक यहाँ पर शुक्र का गोचर आपको रहने वाला है। दूसरी बात, शुक्र यहाँ पर जो है वो सबसे बड़े कारक ग्रह इस राशि वालों के लिए माने गए हैं, क्योंकि वे केंद्र के स्वामी भी हैं यानी चतुर्थ भाव के और त्रिकोण के स्वामी भी हैं यानी नवम भाव के। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना कारक ग्रह अच्छा ग्रह है, और शुक्र इस माह में जो है मेजोरिटी में अगर मैं बात करूं तो उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो यह अत्यंत शुभ समय है आपके भाग्य को लेकर। आपको अगर अपना आप अपना कर्म कर रहे हैं तो इस कर्म को आप दोगुना कर दीजिए, क्योंकि भाग्य यहाँ पर पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला रहेगा। धन्यवाद।